झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले 31 मार्च को जिले के पोषण सखियों ने झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पोषण सखी संघ की प्रदेश सलाहकार रुबिया खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार पोषण सखियों के साथ अन्याय बंद नहीं कर रही। वहीं सरकार द्वारा 24 मार्च को जारी किए गए पत्र से भी पोषण सखी खासा नाराज नजर आई, जिस पत्र में सरकार ने ये बात साफ की है कि पोषण सखियों की सेवा समाप्त की जा रही है। वहीं पोषण सखी संघ की धनबाद जिला अध्यक्ष डिंपल चौबे ने कहा कि पोषण सखियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। पोषण सखी प्रतिनिधि राजानंद ने पोषण सखियों से ज्ञापन लेने के बाद कहा कि पोषण सखियों की मांग को विधायक के समक्ष रखेंगे। इनका जो मामला है, इन लोगों ने मामला के बारे में अपना बताया, इनके मामले को सरकार के बीच में रखा जाएगा और माननीय विधायक जी आज धनबाद से बाहर हैं। उनके आते ही, वो खुद एक महिला हैं और महिलाओं के सम्मान के बारे में वो जानती हैं, महिलाओं के सुख दुख के बारे में जानती हैं और महिलाओं के साथ सदा खड़ा रहने का उन्होंने काम किया है। तो इनकी बात को सरकार के बीच में जल्द से जल्द वो रखेंगी और जो भी मुद्दा है उसको वो समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ माननीय पूर्णिमा सिंह जी के आवास पे हैं और उनका घेराव करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और यही वो विधायक है जो सबसे पहले हम लोग का बात वहाँ सदन में उठाई थी। हम लोग का ड्रेस कोड पास हुआ, उसके बाद भी हमें नहीं मिला और एक साल का पेमेंट भी हम लोग का बाकी है, उस पर हमारा लेटर जारी हो गया कि हमें चयन मुक्त किया जा रहा है। तो हमें क्यों चयन मुक्त किया जा रहा है? यदि किया जा रहा हो तो हमें पूर्व सूचना क्यों नहीं दिया गया? कहना चाहती हूँ जोबा माँ जी से कि यदि हम लोग का ये लेटर वापस नहीं लेता है तो हम लोग उस गद्दी से हटाएंगे, क्योंकि नारी एक शक्ति अनेक। पूर्णिमा सिंह का आवास है और यहाँ पूर्णिमा सिंह से बहुत उम्मीद लेकर आए हैं हम लोगों ने, सब विधायकों के पास गए और हम लोग इतने संघर्ष किए, उसके बाद भी हम लोगों का चयन मुक्त लेटर दे दिया गया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। सभी विधायकों से मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप लोग आप अपने जरिए सरकार को समझाएं और हम लोगों का चयन मुक्त लेटर वापस लिया जाए, हम लोगों का नौकरी में वापस रखा जाए, इसी उम्मीद से आए हैं। अगर हम लोगों की नौकरी वापस नहीं मिलती है तो हम लोग अति कर देंगे, आत्मदाह तक करेंगे और सरकार को भी गलती से हटाएंगे। जो हम लोग को हटाएगा उसको, ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास घेराव किए हैं क्योंकि हमारी पोषण सखी बहनों के साथ बहुत ज्यादा जाति हो रही है, शोषण हो रही है। एक महिला का रांची में आंदोलन किए, शिक्षा मंत्री जी बोले वार्ता करवाएंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन वार्ता भी नहीं करवाए। हमारे साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक कि 24 तारीख को हम लेटर जारी कर दिया गया पोषण सखी को सेवा मुक्त का, जिसका हम भरपूर विरोध जताते हैं। और आज पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास के यहाँ आए हैं न्याय मांगने के लिए, जो हमारी जो लेटर जारी की गई है उनको वापस लिया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।